Hey guys, welcome back to my channel, इंडियन लाल बादल प्रति। गाइज आज मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। मैं जनरली स्टेरॉइड ड्रग्स, कई चीज़ें सप्लीमेंट्स, कई चीज़ों के बारे में, फिटनेस रिलेटेड कई ऐसी वीडियोस डालता हूँ, वर्कआउट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं ऐसे डालता रहता हूँ कि आप लोगों को नॉलेज हो। तो नॉलेज होने से पहले आपको मैं एक ऐसी चीज़ आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको फाइंड आउट करोगे कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, जेन्युइन है या जो है डुप्लीकेट है। मैं बात करने वाला हूँ आज स्टेरॉइड्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, कि कैसे आप पहचानोगे कि ड्रग्स ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। सप्लीमेंट में जनरली पता लग जाता है बंदों को, कई चीज़ें ऐसी हैं जो सप्लीमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ड्रग्स स्टेरॉइड एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी फाइंड आउट नहीं कर पाता है कि भाई ये ड्रग्स ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो मैं कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको फाइंड आउट करोगे कि ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। लेकिन गाइस उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि कितने ऐसे गुरुजी हैं मार्केट में या कितने ऐसे ट्रेनर हैं, ईमानदारी से मुझे कमेंट करना, जो कि लेवल उतार के अपने बच्चों को देते हैं। स्टेरॉइड का लेवल उतारा, अपने बच्चों को दे दिया, इंजेक्शन में भरा, अपने बच्चों को दे दिया। या कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे बंदे हैं जो स्टेरॉइड की जगह पानी डाल के जो है बच्चों को लगा देते हैं। इवन मैंने तो देखा मालाडी भी दे देते हैं बच्चों को, इससे जो बॉडी बनती है। तो गाइस ऐसे काम मत किया करो यार, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। किसी की बॉडी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। जिस बच्चे को पता नहीं है, देखो आप गलत कर रहे हो, आपको पता आप गलत कर रहे हो, ऊपर वाले को पता है, उस बच्चे को नहीं पता है कि जिसके साथ गलत कर रहे हो, लेकिन ऊपर वाले को सब पता है। क्योंकि हराम का माल कभी भी आपको जमेगा नहीं, आपको पचेगा नहीं, मैं आपको बता दूँ। ईमानदारी का ही पछता हमेशा ये नहीं पछता। चलो ये टॉपिक से बाहर हो रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी स्टेरॉइड के बारे में कि कैसे आप डिफाइन करोगे कि कैसी है, ओरिजिनल है, जेन्युइन है। सबसे पहली बात तो जब भी आप मार्केट से कोई चीज़ परचेज करते हो, आपने उसको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले उसकी सील देखनी है कि इसकी सील जो है जेन्युइन है या नहीं है। आप जब भी पहली बात होती है, जब भी आप सर्च करते हो किसी चीज़ के बारे में, किसी ने आपको सॉल्ट बताया कि ये सॉल्ट हमने यूज़ करना है, तो सॉल्ट के बारे में पहले सबसे पहले आप सर्च करो कि कैसी इसकी सील है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, मतलब किस तरीके से वो बना हुआ है, उसकी बनावट क्या है, किस तरीके से उसका डिज़ाइन किया हुआ है। तो उस डिज़ाइन के हिसाब से जब भी आप मार्केट में परचेज करते हो सेम कंपनी का, तो आप उसने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसकी सील देखनी है और प्रोडक्ट की बनावट देखनी है कि बनावट क्या सेम है, जैसे मैंने गूगल में सर्च किया था, जैसे मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, जिससे वैसे मैंने पढ़ा था, क्या सेम है। अगर उसकी सील डुप्लीकेट होगी तो सील जो डुप्लीकेट होती है वो पता लग जाती है। जैसे आपने सप्लीमेंट में भी देखा होगा, प्लास्टिक लगा देते हैं या फिर कुछ ऐसी इस तरीके से उसको सील कर देते हैं कि इमिडिएटली निकल जाती है, लेकिन जो जेन्युइन होती है उसको जब फाड़ोगे आप तो उसके अंदर से भी एक डबल जो है लेयर निकलती है, वो जेन्युइन जो होगा वो अलग ही दिखता है। दूसरी बात, आपने उसमें जो है कंपनी की वेबसाइट पर जाके चेक करना है कि ये जेन्युइन है नहीं है। उसमें जो है अगर वो जेन्युइन होगा तो जो उसमें इंपोर्टर होगा, इंपोर्टर का स्टैंप होगा उसमें, और बाहर से जब आता है माल कोई भी तो उसमें स्टैंप लगा होता है इंपोर्टर, उसमें रेट लिस्ट वगैरह। अगर उसमें स्टैंप नहीं है और उसमें जो है रेट लिखा हुआ और उसके ऊपर स्टैंप नहीं है तो भी वो जेन्युइन नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और उसमें बार कोड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें जिसको आप स्कैन कर सकते हो। कंपनी अगर आपने उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद अगर सेम चीज़ वही कंपनी जो कंपनी ने बनाया, अगर वो कंपनी दिख रही है या उसकी वेबसाइट खुल रही है, सब कुछ खुल रहा है, तो भी पता लग जाता है कि ये ओरिजिनल है या जेन्युइन है। अगर नहीं खुली है तो समझ जाओ कि आप ये जो है ओरिजिनल नहीं है। और सबसे अच्छी बात है गाइस, मैं तो एक ही बात कहूँगा, लैब टेस्ट भी हर कोई नहीं करा सकता, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं, गाँव देहात कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर भी लैब अवेलेबल नहीं होते। दिल्ली जैसे सिटी में मैं मान भी सकता हूँ कि एक बार के लिए आप लैब चले जाओगे, लैब टेस्ट करा लोगे, लेकिन बाहर कैसे कराओगे। तो लैब टेस्ट भी एक ऑप्शंस है, बट लैब टेस्ट से बेटर है आप खुद उसको टेस्ट करो। जेन्युइन जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर मैं एक चीज़ क्वालिटी बता देता हूँ स्टेरॉइड की। जैसे कई सॉल्ट ऐसे होते हैं, जैसे टेस्टा हो गया, टेस्टा बेसिकली जब भी हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उससे बुखार आता है, दैट इज़ देयर 100% बुखार आएगा। अगर बिगनर लेवल उसको स्टार्ट कर रहा है या पहली बार उसको काफ़ी टाइम के बाद अब स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको हल्का सा बुखार सा, बॉडी पेन सा, ऐसा प्रॉब्लम होगा, वो उसका सिम्टम्स है, वो उसका साइड इफेक्ट है। बट अगर वो गांठ बनाता है, अगर उसने सुझा दिया और उस रीजन से आपको बुखार आ रहा है और तीन तीन दिन तक बुखार आ रहा है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट 100% फेक है। कई ऐसी मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं, अगर उसमें 200 mg लिखा है तो उसमें 80 mg भी जो है, अगर उसको सर्च करो या उसको लैब टेस्ट करो तो 80 mg भी उसमें नहीं रहता है। बट कई ऐसी जेन्युइन कंपनियां हैं जो इंपोर्टेड कंपनियां हैं जो जेन्युइन बनाती हैं, और कई ऐसे लैब हैं जहां पर कि जो है डुप्लीकेट मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया के अंदर भी और बाहर भी हर जगह। तो आपको माल का पता नहीं लगेगा, लेकिन जब भी आप उसको बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, कई सॉल्ट ऐसे हैं जिससे पता नहीं लगता, लेकिन
स्पेशली टेस्टा की बात कर रहा हूँ मैं, टेस्टा जैसे टेस्टा हो गया, ट्रेन ब्लोन हो गया, ये ऐसे सॉल्ट हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, या फिर किसी कईयों को जो है विंग्स रोल से भी दिक्कत होती है। तो अगर वो आपको इंजेक्ट करने के बाद अगर वो आपकी बॉडी में गांठ बना रहा है, गांठ बन रही है उससे, तो 100% उसमें जो ऑयल यूज़ किया हुआ है वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। उसके अंदर जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं दैट इज़ नॉट अ करेक्ट, वो सही नहीं है। इसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो जेन्युइन प्रोडक्ट होगा वो कभी भी आपको बुखार आएगा, एक दिन सुबह आपने इंजेक्ट किया, शाम को आपको हल्का हल्का सा बुखार आना स्टार्ट हो जाएगा, रात को आपको बुखार आएगा हल्का हल्का सा, दूसरे दिन खत्म हो जाएगा। दो तीन बार जब आप टेस्टा यूज़ कर दोगे, जो तीन बार इंजेक्ट करोगे बॉडी में, तो उसके बाद बुखार आना बंद हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को हैबिचुअल हो जाती है। लेकिन अगर आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बुखार आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये माल डुप्लीकेट है। सबसे बड़ी पहचान तो ये है, मैं आपको बता दूँ जो मैंने एब्जॉर्व किया है। मैं कई ऐसे प्रोडक्ट यूज कर चुका हूँ, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ तो यूज़ जैसे मेरी बॉडी हैबिचुअल है कि मेरे को आदत हो चुकी है इस चीज़ों की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई बुखार उखार नहीं आता। बट अगर मैं कोई ऐसा डुप्लीकेट प्रोडक्ट कभी गलती से परचेज़ कर लूँ या मेरे पास आ जाए, मैं उसको यूज़ कर लूँ, कोई नई चीज़ें आए मेरे पास उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं यूज़ करूँ, तो वो जो है बुखार आ रहा है, तो उसका मतलब समझ जाओ कि भाई ये माल ओरिजिनल नहीं है। मैं उसको फ्री में भी किसी को देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि किसी को फ्री में भी गलत सामान देना ठीक नहीं है। आप देना है, ईमानदारी से कमर करना है, तो ईमानदारी का फल आपको हमेशा अच्छा मिलेगा, आप हमेशा आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर बेईमानी से कोई भी काम करोगे तो ये बहुत गलत बात है। हमारी इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है बेफालतू में, इसलिए बदनाम हो जाती है कि डुप्लीकेट ओरिजिनल, ऐसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से जो भी काम करना चाहिए मेरे हिसाब से ईमानदारी से करो, जो भी कहो सच कहो। आप बता दो जो बंदे को, आप बताओ उसमें क्या दिक्कत है, आप उसके पैसे चार्ज करो ना, सिंपल सी बात है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरे अंदर टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को बिल्ड करो ना। आप क्यों डरते हो कि किसी को मैंने बता दिया तो इसको भी पता लग जाएगा? भाई आपको उसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर नॉट अ विनर देन। अगर आप विनर हो, आपकी विनर की टेंडेंसी है, आपको जीतने की आदत है, या जीत हारना आपने सीखा नहीं है, तो आप कभी भी किसी को कोई भी चीज़ बताने से नहीं डरोगे। मैं YouTube में बता देता हूँ बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको पता है मैं सारी चीज़ें खोल के बताता हूँ, सब कुछ खोल के बताता हूँ। रीज़न उसका यही है कि मुझे मालूम है कि मैं क्या हूँ और मुझे कितना पता है। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बट मेरे को भी बहुत कुछ सीखना है। बट ये है कि मुझे पता है कि मैं अगर किसी को बताऊँगा तो उससे मेरा नॉलेज बढ़ेगा घटेगा नहीं, और हर किसी से सीखना है, सबसे बड़ी बात हर किसी से सीखना है। तो गाइस प्लीज़ लेवल उतार के न दें अपने बच्चों को, ये हाथ जोड़ के आपसे विनती है, और मेरी उन गुरुओं से भी विनती हैं जो मेरे से सीनियर हैं, जो गुरुजी हैं, बहुत बड़े बड़े गुरुजी, बहुत मोटा पैसा छापते हैं बच्चों से। मोटा पैसा छापो, लेकिन कम से कम उसको बता तो दो कि क्या है जो उसको यूज़ कर रहे हो। आप इंजेक्शन में भरकर लेवल उतार के सब काम कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा फल आपको, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। वो पैसा आपको बचेगा नहीं, वो पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज़ गरीब बच्चे होते हैं सारे इस इंडस्ट्री में, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है गाइस कि आप जब भी सामान लेते हो तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, स्टेरॉयड को स्पेशली किस तरीके से आपने पहचानना है, और उसके बाद बॉडी में डालना है। उसके बारे में पूरा पहले R&D करो, पहले पढ़ो उसको अच्छी तरीके से, तब बॉडी में डालो, क्योंकि भाई ये बॉडी है, ऑडी फेल है इसके सामने। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ऑडी ले सकते हो, बॉडी नहीं ले सकते, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए आपको मेहनत, पैसा, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन सब कुछ चाहिए। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ जाने से पहले अगर आप मेरे उसमें मेरे चैनल पर नए हो तो आपने इसको सब्सक्राइब करना, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।